भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया, मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के 9 साल, ये 9 वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के उत्कर्ष के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष, मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के वोट 9 वर्ष है। और मित्रों, 10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं, याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार जिसमें शरद पवार साहब भी थे, ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली, 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते, हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकला।